मंडी गोपालगढ़ डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब। आइए आज हम आपको बताते हैं कुछ कोरोना की खट्टी मीठी बातें। चलो आइए देखते हैं। अरे भैया मैं तो बोरी हो गई। क्यों बहन, ये कोरोना क्या आ गया? मैं तो घर पे ही बंद हो गई हूँ, ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना मूवी देख पा रहे हैं, मैं तो घर पे ही बैठी हुई हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, जो नुकसान करता है वो फायदे भी देता है। किसके फायदे? कोरोना के क्या फायदे हैं? कभी तूने आसमान देखा जो इतना साफ हो रहा है? ना भैया। पापा जी हमेशा हमारे साथ घर पे रहते नहीं थे, हमेशा कहते थे कि मैं ऑफिस में हूँ, मीटिंग में हूँ, जरूरी काम कर रहा हूँ। हाँ भैया ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर हम स्कूल थोड़ी ना जा पा रहे हैं। लेकिन स्कूल का काम ऑनलाइन में तो आ ही रहा। मम्मा पापा के साथ हम बाजार नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर क्या करें? लेकिन घर पे आ तो रहा है बाजार का सामान, डोर टू डोर सर्विस हो तो ये जरूरी सामान भी आ रहा है। हाँ भैया ये वाली बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, पर मेरे दिमाग में तो पिज्जा और बर्गर घूम रहा है। मम्मा जी के किचन है तो रेस्टोरेंट बनने के लिए। हाँ भैया ये तो मैं भूल ही गई थी, पिज्जा बनाते हैं, बर्गर बनाती हैं, सैंडविच बनाती हैं, बहुत कुछ। वही बिजी दिन होते तो क्या पंजाब के शिक्षा मंत्री हमें मौका देते जो अब दे रहे हैं लॉकडाउन में? हाँ भैया ये वाली बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, फिर हम सबको बताते हैं। कोरोना ने सिखाया है घर में स्कूल बनाया है, माँ करती घर का भी काम, माँ को ही अध्यापक बनाया है, आसमान में पंछी छिड़क रहे हैं, शाम होते ही छतों पर खेलना सिखाया है। कोरोना ने सिखाया है घर में स्कूल बनाया है, कोरोना ने कुछ अच्छा भी करके दिखाया है, चाहे इंसानों को डराया है, वातावरण को शुद्ध बनाया है, जिसके लिए लगी थी सरकारें सालों से, कुदरत ने कुछ दिनों में ही करके दिखाया है, इंसानों को घर में करके कैद, जानवरों को धरती में हक दिलाया है। हे प्रभु सब आप ही ठीक करोगे, हमने यह विश्वास बनाया है, हमने यह विश्वास बनाया है। जय हिंद जय हिंद। थैंक यू।